Major reasons to expect convergence. सो वी हैव ऑलरेडी सीन वाई देर वॉज ग्रेट डाइवर्जेंस, और उसका कुछ रीजन ये था दैट सम ऑफ द कंट्रीज वर कैप्चर्ड बाय यूरोप एंड देर वॉज कॉलोनाइजेशन एंड दे वर नॉट अलाउइंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन टू टेक प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड. जब कॉलोनाइजेशन हुई ड्यूरिंग दैट पीरियड दे वर नॉट अलाउइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन टू टेक प्लेस. राइट, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आर द मेजर रीजंस वाई वी शुड एक्सपेक्ट कन्वर्जेंस. If growth experience of developing and developed nation was similar, there are two reasons to expect that developing countries would be catching up by growing faster than the developed countries. Let's look at the first reason, that is technology transfer. Now, what this reason says is that the developing countries can leapfrog. क्या वर्ड यूज किया गया? लीपफ्रॉग. वॉट डज लीपफ्रॉग मीन्स? देखो, डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं, जब वो डेवलप कर रही हैं, द डेवलप्ड कंट्रीज हैव ऑलरेडी ब्रॉट इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. सो डेवलपिंग कंट्रीज डोंट रियली हैव टू क्रिएट एनी न्यू टेक्नोलॉजी, दे जस्ट हैव टू एब्जॉर्ब द न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. उन्हें खुद की कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनानी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना चुके हैं उन्हें बस उस टेक्नोलॉजी को यूज करना है. तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय द डेवलपिंग कंट्री विल बी फास्टर एज कंपेयर्ड टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. राइट, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. कंट्रीज एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज, दे डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील. उनको खुद से नई टेक्नोलॉजी नहीं बनानी. वॉट एवर डेवलप्ड कंट्रीज हैव डन, दे जस्ट हैव टू एब्जॉर्ब दैट टेक्नोलॉजी. इवन रिक्वायर्ड दे कैन पे सम रॉयल्टी अगर उस पर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या जो भी है. देन रादर देन स्टिल डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, दे कैन जस्ट पे रॉयल्टी एंड यूज द टेक्नोलॉजी क्रिएटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज कैन लीपफ्रॉग एंड मूव फास्टर देन द डेवलप्ड कंट्रीज. दिस इज नोन एज एडवांटेज ऑफ बैकवर्डनेस. तो जो पहले स्लो रह गए वो डेवलप्ड कंट्रीज से उनकी टेक्नोलॉजी लेकर उनके मुकाबले और तेजी से दौड़ सकते हैं और तेजी से डेवलप कर सकते हैं. द डेवलपिंग कंट्रीज विच वर अर्लियर बैकवर्ड कैन टेक द एडवांटेज दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव ऑलरेडी ब्रॉट द बेस्ट टेक्नोलॉजी. दे कैन जस्ट यूज दैट टेक्नोलॉजी रादर देन री इन्वेंटिंग द व्हील, रादर देन रीक्रिएटिंग एवरीथिंग देमसेल्व्स. राइट, दिस इज कॉल्ड एज द एडवांटेज ऑफ बैकवर्डनेस. द लेटर अ कंट्री बिगिन्स इट्स मॉडर्न प्रोसेस, द शॉर्टर द टाइम नीडेड टू डबल द आउटपुट पर वर्कर. तो जितना लेट आप शुरू करोगे उतना तेज आप कर सकते हो. सो द कंट्रीज दैट स्टार्टेड अर्ली, अगर उनको वही काम करने में 20 साल लगे बिकॉज दे वर इन्वेंटिंग समथिंग, द कंट्रीज दैट स्टार्ट लेटर उनको वही काम करने में शायद 5 ईयर्स लगेंगे. सो ब्रिटेन टुक 60 ईयर्स टू डबल इट्स आउटपुट पर वर्कर, यूएस 45 ईयर, चाइना 8 ईयर, साउथ कोरिया 12 ईयर. सो द लेटर यू स्टार्ट द इजियर इट इज फॉर यू टू डेवलप योर आउटपुट. सेकेंड रीजन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एक्यूमुलेशन. अब ये क्या बोलते हैं? दिस एक्चुअली गोज अहेड एंड सेज दैट डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव ऑलरेडी गेन्ड अ लॉट ऑफ कैपिटल. वी नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल. तो जैसे जैसे आप ज्यादा फैक्टर एक्यूमुलेट करते रहते हो, द एडिशनल रिटर्न्स यू गेट फ्रॉम दैट फैक्टर कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. सो दोज कंट्रीज विच आर डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव लेस कैपिटल. लेस कैपिटल मीन्स दे विल हैव मोर रिटर्न्स फ्रॉम कैपिटल. एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ कैपिटल, इनफ कैपिटल. तो दे आर हैविंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स फ्रॉम कैपिटल, उनको कम रिटर्न मिल रहा है. सो डेवलप्ड कंट्रीज हैव हाई लेवल ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल नियो क्लासिकल एनालिसिस, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल वुड बी लोअर फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज. इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल वुड बी लोअर ऑन डेवलप्ड दैन डेवलपिंग कंट्रीज. तो अगर एक एक्स्ट्रा मशीन डेवलप्ड कंट्री में जाए और डेवलपिंग कंट्री में जाए तो वो यहाँ पे ज्यादा रिजल्ट देगी. हियर इट विल प्रोड्यूस लेस आउटपुट ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न.
We would expect higher investment rate in developing country, either through domestic resources or through attracting foreign capital. So, because there is more return on capital in developing countries में ज्यादा return है, even foreign investment is attracted towards developing countries. With higher investment rate, capital would grow quickly in developing countries in until approximately equal level of capital and output are achieved. तो जब तक developing countries उस level of capital और output पे ना आ जाएं जो developed country में है, developing में हमेशा return ज्यादा रहेगा capital में, right? So it will be having a faster catching up process. There would be convergence of income as faster growing developing countries would tend to converge towards slower growing developed countries. So these are the two reasons of convergence. Because the developing country will be growing faster. क्यों faster grow कर रहा होगा? One, it is not facing diminishing returns to capital yet. And two, it doesn't have to create research and development from the beginning. उसको R&D शुरू से नहीं करना. Convergence happens conditional on the key variables such as population growth rate and saving rate. Now I want to focus on conditional convergence. तो हम ये बोल रहे हैं कि एक रिच और एक पुअर कंट्री का इनकम बराबर तो हो जाएगा, होल्डिंग सम फैक्टर्स कॉन्स्टेंट. सो व्हेन वी होल्ड सम फैक्टर्स कॉन्स्टेंट इट बिकम्स कंडीशनल कन्वर्जेंस. अनकंडीशनल कन्वर्जेंस मीन्स कुछ भी फैक्टर्स भी अलग क्यों ना हो दे विल कन्वर्ज टू सेम इनकम. बट कंडीशनल कन्वर्जेंस इज दैट ओनली इफ दीज टू कंट्रीज हैव सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सेम सेविंग्स रेट, सम फैक्टर्स आर सेम, दे आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, ओनली देन देर विल बी कन्वर्जेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज इनकम. सो कंडीशनल कन्वर्जेंस मीन्स that holding some factors constant, and unconditional convergence means that without holding them constant ये दो converge करेंगे ही करेंगे, right? For years the absence of evidence on income convergence was greatly unsolved puzzle. अब हमने इसे solve कर लिया है that why initially there was no income convergence. ये हमने देखा क्यों divergence था. The evidence shows divergence occurred for two centuries from the start of industrial revolution. इसके हमने रीजन पता कर लिए why there was initially divergence of income. However, most recent data shows average reconvergence is now underway. But अब का डेटा ये बताता है that because there is this catching up effect, there is a convergence in the income of the countries. Right? Okay, बेटा.